भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अकलीती मोर्चा के नायब सदर अब्दुल रहमान लोन ने आज करालपुरा और शमनाग इलाका का दौरा करके वहां मरकजी हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम चल रही स्कीमों के नफाज का मुआयना किया। इसी दौरान उन्होंने भाजपा को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाने के लिए बूथ सतह पर भाजपा सदूर का इंतखाब किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तकसीम नो महज एक अफवाह है, चंद लोग जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशिक हुसैन की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, चौकी बल में था। आज हमारा यहाँ करालपुरा जो बटपुरा है वहाँ था, सरपंचों के साथ हम बूथ प्रेजेंट बना रहे हैं आज, क्योंकि हमारी पार्टी बोलते हैं, जो हमारे अशोक कोल साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, बूथ मजबूत है तो हम भी मजबूत हैं। आज हम ज़्यादातर ये बूथ मजबूत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे बूथ मजबूत हो रहे हैं कि हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी सीट भी निकल जाएंगी और इलेक्शन हम अच्छी तरह से जीतेंगे और ये कंटिन्यू हमारा रहेगा। कल भी हमारा प्रोग्राम है यहाँ, मतलब परसों भी है, कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम रहेगा। जहाँ भी हमारी कमी है वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। 10 दिन के अंदर हम हर जगह बूथ प्रेजेंट बनाएंगे। मतलब मास्क है, सैनिटाइज है, कहीं चावल है, चीनी है, जो भी मतलब हमारे पास है। मतलब पार्टी भी हमें बहुत मदद इसमें कर रहे हैं, हर घर में हम पहुँच जाते हैं। जहाँ गरीब है हमने अपने नंबर भी दिए हैं, उनके भी पास हम जा रहे हैं। कल हम वहाँ गए थे पोतखंड में, वहाँ हमने मतलब बहुत सारे गरीब लोग वहाँ थे, वहाँ हमने कुछ राशन तकसीम की। बाकी तो ये रोज़ का काम है भारतीय जनता पार्टी का, मास्क, सैनिटाइज, कुछ भी ये तो रोज़ हम बांट रहे हैं।